वहीं आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी द्वारा उम्मीदवारों के ऐलान के बाद एक तरह का घमासान मचा हुआ है और इसी का असर है कि कांग्रेस नेता चिरंजीव राव ने आज बड़ी बैठक बुलाई है। थोड़ी देर में कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव समर्थकों के साथ बैठक करेंगे। दरअसल गुरुग्राम में अजय यादव, जो प्रबल दावेदार थे और लगातार बयानबाजी कर रहे थे, टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन अजय यादव को कांग्रेस ने मौका इस बार नहीं दिया है। उनकी जगह राज बब्बर को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बना दिया है और ऐसे में अब अजय यादव क्या कोई बड़ा फैसला करेंगे, इसको लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि वो कांग्रेस नेतृत्व से कारण जरूर जानेंगे कि आखिर क्या कारण रहा कि उन्हें टिकट नहीं मिला, राज बब्बर को टिकट मिला। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी जानकारी, अजय यादव का टिकट कटने के बाद ये बैठक बुलाई गई है। दरअसल यही इसी तरह की तस्वीरें कुछ भिवानी महेंद्रगढ़ में भी सामने आई, जहां किरण चौधरी ने बैठक की। कुछ इसी प्रकार की तस्वीरें हिसार से भी सामने आई, जब ब्रजेंद्र सिंह को टिकट नहीं दिया गया कांग्रेस की ओर से, और अब कुछ हूबहू वैसा ही होता नजर आ रहा है गुरुग्राम के संदर्भ में भी। आपको बता दें, कांग्रेस के विधायक चिरंजीव राव आज बैठक कर रहे हैं और थोड़ी देर में शुरू होगी समर्थकों की बैठक। रेवाड़ी से हमारे संवाददाता सुरेंद्र गौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ इस बड़ी खबर पर। सुरेंद्र, अगर देखा जाए, गुरुग्राम पहली सीट नहीं है जहां पर इस तरह की तस्वीर उभर कर सामने आई है कांग्रेस की टिकट ऐलान के बाद। भिवानी महेंद्रगढ़, हिसार और अब गुरुग्राम, क्या विकल्प हैं सामने और आज की बैठक के माध्यम से क्या संदेश देने का प्रयास किया जाएगा चिरंजीव राव और कैप्टन अजय यादव की ओर से? बिल्कुल, इस पर दोहराए नहीं कि अभी मैं कैप्टन अजय सिंह यादव के निवास स्थान पर खड़ा हूँ। आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ अभी बैठक की तैयारियां, आप देख सकते हैं कि यहाँ कार्यकर्ता जुटने शुरू हो गए हैं। हालांकि अभी तक जो है विधायक और उनके जो पिता है कैप्टन अजय सिंह यादव यहाँ नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता यहाँ आना शुरू हो गए हैं। कार्यकर्ता आप देख रहे हैं लगातार यहाँ आ रहे हैं। सुरेंद्र, एक सेकंड के लिए मैं आपको रोकूंगा। आपकी तस्वीरें जो आप हम तक पहुंचा रहे हैं वो साफ नहीं आ पा रही हैं। मैं आपसे ये भी कहूंगा कि एक बार अपने फोन की सेटिंग को चेंज करें, साथ साथ ये भी जानकारी दें, जिस तरह से माना जा रहा है कि एक तरह की नाराजगी के स्वर निश्चित तौर पर नजर आए हैं कैप्टन अजय यादव को लेकर, और वो खुलकर इस बात को कहते नजर आए हैं। टिकट का ऐलान हुआ, राज बब्बर का नाम हुआ, उसके बाद भी उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा गया कि प्रदेश के नेताओं को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, स्टेट लीडरशिप को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। इन तमाम बयानों के आधार को किस तरह से देखा जाए और साथ ही साथ किस तरह के विकल्प हैं कैप्टन अजय यादव के सामने, चूंकि वो साफ कर चुके हैं कि कांग्रेस के नेता हैं, जाएंगे कहीं नहीं, लेकिन वो जरूर जानना चाहते हैं कि टिकट क्यों कटा। आपको बता दें कि हमारे सहयोगी सुरेंद्र गौड़ तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं। दरअसल इसी तरह का हाल देखने को मिला है कुछ और स्थानों पर भी। कांग्रेस ने इस बार लंबे मंथन के बाद टिकटों का ऐलान किया और उसी के बाद से सारी रस्साकस्सी नजर आ रही है। कांग्रेस नेता चिरंजीव राव, जो दरअसल विधायक भी हैं और कैप्टन अजय यादव के बेटे भी हैं, उन्होंने आज अपने समर्थकों की बैठक बुलाई है। क्या फैसला होता है यह देखना एक बड़ा ही दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि जिस तरह की टिकटों का ऐलान हुआ उसके बाद कई तरह के बयान सामने आए। गौरतलब है कि राज बब्बर को कांग्रेस ने टिकट दिया है सभी समीकरण को साधते हुए। हालांकि कैप्टन अजय यादव लगातार ही कहते नजर आए हैं कि 2019 में जबरदस्त लहर के बावजूद भी उन्होंने बहुत अच्छे वोट हासिल किए थे गुरुग्राम लोकसभा सीट से, उन्हें मौका मिलना चाहिए था। लेकिन आपको बता दें कि इस बार कांग्रेस ने राज बब्बर को उम्मीदवार बनाया है गुड़गांव लोकसभा सीट से, और यही कारण है कि एक तरह की नाराजगी सामने आई है इस पूरे परिवार की ओर से।